पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ से प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे बराबर में बैठे बड़े भाई अखंड प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ। हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 साल बीत जाने के बावजूद हमारे साथियों का आज तक जो मेन मुद्दे जो मांग थी हमारी प्रमोशन की, वो आज तक उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर पाई। हमारा परिवार दो भागों में बटा हुआ था। हमारे पैरवी कर रहे थे राकेश चौधरी और प्रदेश महामंत्री ग्रामीण संगठन के रावेंद्र श्रीवास्तव जी। इन्होंने प्रस्ताव रखा कि अध्यक्ष जी, यदि कर्मचारी हित की मैं 1 लाख कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक संयुक्त मोर्चा बना लिया जावे, हम और आप एक परिवार में बटे हुए हैं, सरकार इसका फायदा उठा रही है, तो निश्चित तौर से हम कामयाबी की ओर जाएंगे। हमारे साथ में पदाधिकारी बैठे और हमने एक मीटिंग की गोपनीय तरीके से। हमने कहा ठीक है, ऐसी बात कह रहे हैं तो हमें निश्चित तौर से 1 लाख कर्मचारियों के भविष्य को लेकर निश्चित तौर से हमें अपना एक समझौता, एक साझा मंच बनाना चाहिए। हमारे 12/11/2018 को दारू सफाई 1 में पंचायती राज सफाई कर्मी संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया, जिसमें दोनों संघों के पदाधिकारियों द्वारा इसका स्वागत करते हुए और एक बैठक लगाई गई है। और आज बैठक में निर्णय लिया जा रहा है कि हम अपनी मांगों को लेकर, जो मांगे हमारी जो प्रमोशन के जो मेन मांग है, उसको लेकर एक जोरदार संघर्ष किया जाए और आर पार की हमारी लड़ाई होगी, जिसमें 5-6 मांग हमारे महामंत्री जी ने और हमारे जो आज सदन चल रहा है, हो सकता है सदन में हमारे साथी कोई मांग और अच्छी कोई देता है तो उसका भी सहयोग इसमें रखा जाएगा। इन सारी चीज़ों को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा और 10 तारीख दिसंबर के लिए समस्त जनपदों में है और 21 दिसंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसमें कोई समझौता नहीं होगा और ना ही कोई हमारा पदाधिकारी कहीं रुकेगा। और मैं इसे आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यदि कर्मचारियों को धरने प्रदर्शन में प्रताड़ित किया गया जनपदों में, तो इसका भयंकर सरकार परिणाम भुगतने को तैयार रहे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह हूँ। आज ये जो मोर्चा बनाया गया है, भाई नरेंद्र पाल जी और अखंड प्रताप सिंह, महामंत्री रामेंद्र श्रीवास्तव जी, हमारे प्रदेश के सारे जिलाध्यक्ष बैठ करके ये निर्णय ले रहे हैं। चूँकि 10 साल से हमको अधिकारी और नेता आपस में बांटे हुए थे, हम आपस में बंटे हुए थे, इस नाते 10 साल से हमारी जो भी जमीन मांग थी पूरा नहीं हो पा रही थी। हम लोगों ने निर्णय लिया कि कर्मचारी हित में अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी तो अपने प्राणों की आहुति दे करके कर्मचारी हित में कर्मचारी मांग को लेकर के हम सरकार से लड़ेंगे। मिलते जुलते हैं, हमारी मांग एक है, हमारा समझौता एक है, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को बता देना चाहता हूँ, या तो हमारी मांगे आप पूरी कर दीजिए, नहीं तो 21 तारीख को इसी विधानसभा के सामने वह स्थित बनेगी कि या तो हम लोग फांसी के फंदे पर झूलेंगे या तो सरकार को हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। हम बैरन वापस जाने वाले व्यक्ति नहीं है और बैरन वापस नहीं जाएंगे। इसी के साथ आप लोगों का, सब हमारे मीडिया प्रभारियों का धन्यवाद। धन्यवाद। रामेंद्र कुमार, प्रांतीय महामंत्री ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ, सहसंयोजक इस मोर्चे के सहसंयोजक हूँ। और ये मोर्चा इसलिए बनाना पड़ा, ये ज़रूरी हो गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम अधिकारी और जो भी शासन प्रशासन तमाम जगह बैठे हुए हैं वो कर्मचारियों को बांट चुके थे। और इसमें मैं आदरणीय राकेश चौधरी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि इस मोर्चे को उन्होंने बनाने में प्रयास किया और आज सारे लोग एक मंच पर आ चुके हैं। आने वाला जो 21 तारीख है वो 5 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलित है। अब बड़ा आंदोलन होगा, 1 लाख ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का 2008 में जो भर्ती हुई है, सबसे बड़ा आंदोलन 21 दिसंबर को होने जा रहा है। इसमें अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, यदि हमारी मांग को पूरा नहीं करती है, तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के जो भी सांसद चुनाव लड़ेंगे, ग्रामीण सफाई कर्मचारी एक एक सांसद का विरोध करेंगे।